दिल्ली में झारखंड के सीएम और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की है। इससे पहले भी मार्च में कल्पना सोरेन ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में ये मुलाकात काफी अहम मानी जाती है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी ने इस मुलाकात का वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर भी किया है और लिखा है कि तानाशाही के खिलाफ इंडिया एकजुट है। इस मुलाकात से पहले हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी, जिसे उन्होंने शिष्टाचार भेंट बताया। हालांकि अब जब राज्य में चुनाव होने हैं तो शिष्टाचार से ज्यादा ये सियासी मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि सीटों के बंटवारे पर भी बातचीत शुरू हो गई है। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो लोग जेल से छूटने के बाद चिल्ला कर कह रहे थे कि जब भी चुनाव कराना है कराएं, हम तैयार हैं, फिर अब जब चर्चा शुरू हुई तो परेशानी क्यों बढ़ रही है? इस सरकार की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है, चाहे वो युवाओं के रोजगार का मामला हो या अन्य मामला। अब इस सरकार के पांव तले से जमीन खिसक चुकी है। इनके अफवाह और इनके गलतफहमियों का दौर जो है उसका छूटना प्रारंभ हो गया है, वो हटना प्रारंभ हो गया है। और आप देखिएगा कि अभी का जो विधानसभा का चुनाव होगा, 3-4 रहते हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम झारखंड। आप देखेंगे कि इस चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कितनी शानदार तरीके से जीतेगी। और इन लोगों का जो मनोभावना है, इन लोगों की जो इच्छा है देश के अंदर एक नेगेटिव वातावरण बनाने का, नेगेटिव बनाने का, वो धाराशाही हो गया। इनके भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चतरा और सिमरिया में भाजपा के विजय संकल्प महासभा में शामिल होने के बाद हजारीबाग पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ भाजपा नेता भैया अभिमन्यु ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और राज्य की वर्तमान सरकार पर भी हमला बोला। राज्य के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी को 9 लोकसभा से अपने प्रत्याशियों को जिताया है। इसी कड़ी में वैसे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन के साथ, नए संकल्पों के साथ, विजय संकल्प सभा के माध्यम से आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी राज्य के सेवा के लिए तत्परता से कार्य करते हुए राज्य की आकांक्षाओं को पूरा करे, इस उद्देश्य को साथ लेकर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प सभा का आयोजन हुआ। आज मैं दो, चतरा और सिमरिया, दो विधानसभा क्षेत्रों में गया था, कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए उनके उत्साह को देखा।